KASO Music presents Kanishka goes live. Hi, Namaste, Adar, Sastyakal, Kemcho. Welcome to my show, Kanishka goes live on KASO Music. Today I have come all the way from Mumbai to Baroda. And what brought me here? You know guys, a very inspirational man, SANAT PANDYA ji. He is a music composer, he is a singer, he is an international brand ambassador of marathon and a board of director of Gujarat Sangeet Natya Academy and lot more things. So what are we waiting for? Let's go and talk to him. आप मुझे बताइए कि ये आपकी जो जर्नी है जिसमें आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो मतलब ये कैसी रही अभी तक का, क्या क्या फील करते हो आप? अभी तक का तो बहुत अच्छा सफर रहा है और काफ़ी सारा जवाबदारी मुझे दिया है। गुजरात अकादमी का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ और कल्चरल कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ गुजरात का। और इतना सारा प्रोज होने के बावजूद भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैंने सुना है कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं सत्यन जी, जिन्होंने मुझे एक बात बताई है कि जब भी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ आते हैं तो हमेशा आप ही सिंगिंग करते हो उनके वेलकम सॉन्ग या जो भी हैं। तो ये तो बहुत ही एक प्राउड वाली बात है बड़ौदा के लिए। सो उसके बारे में हमें बताइए। मोदी जी के बारे में तो बहुत सारी घटनाएँ हैं मेरे साथ, क्योंकि वो युग पुरुष तो है लेकिन जब वो सीएम थे यहाँ गुजरात के तो उन्होंने सद्भावना की, यानी जन जन तक पहुँचना, एक सद्भावना रैली कर दूंगा पूरे गुजरात में था, 17 था उसमें से मैंने 11 किया और मिनट टू मिनट का प्रोग्राम मोदी साहब के लिए और साथ में मोदी साहब के साथ किया। मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है ये जान के दैट आई एम फ्रॉम बड़ौदा एंड आई एम सिटिंग विद समवन एंड आई एम एन एक्ट्रेस एंड सिंगर और मैं इनके साथ बैठी हूँ। तो आपको कैसा लग रहा था उस वक्त? हाउ यू वर फीलिंग? एकदम बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ नया बन रहा है अपने देश में, यंग पर्सन के लिए कुछ है। और अभी देखो, अभी आज की तारीख में आप देख लो कि जो कला युग शुरू हो गया है पूरा, इतनी सारा और अभी आगे भी आएगा। अभी तो 2 साल ही हुए ना, 2 साल ही हुए तो अभी आगे भी बहुत कुछ योजना है मोदी साहब का। अच्छा। कि भाई कौन से कवि थे, कौन सा कलाकार था, उनको शताब्दी कैसे रखना, उनकी यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी कैसे खोलना, वो सब आयोजन बड़े बड़े। तो अच्छा, आप ये बचपन से आपका पैशन था सिंगिंग का, अलग आपने ट्रेनिंग ली है कैसे, मतलब ये शुरू कैसे हुआ? बचपन से ही था, बचपन से मेरा जो नेटिव प्लेस है तलाला की, रिलायंस की जो भूमि बोलते हैं आप, गिर फॉरेस्ट बोलते हैं। अच्छा। तो वहाँ मैं बॉर्न हुआ हूँ, हमारे वहाँ रामजी मंदिर भी था। अच्छा। तो वो भजन कीर्तन वगैरह तो होते ही और मेरे डैडी अच्छे फ्लूटिस्ट भी थे। अच्छे फ्लूटिस्ट, ओके वाओ। तो वो जो जिसको बोलते हैं ब्लड में पूरा, तो मैं हारमोनियम वगैरह वहाँ सीखता था, देखता था। तो धीरे धीरे बालाजी की कृपा हो गई और ये सब अच्छा हो गया। बड़ौदा में आया डिप्लोमा करने के लिए म्यूजिक। म्यूजिक में आपने डिप्लोमा किया है? डिप्लोमा किया है वोकल। ओके। और आप इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे बजाते हो? हाँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, टेलीड्रम भी बजाता हूँ, सब कुछ। ओके। और पूरा कंपोज कैसे करना, उसका भाव क्या है? वाओ। तो ही इज आल्सो म्यूजिक कंपोजर। तो अभी आपने कुछ कंपोज किया है गुजराती या हिंदी? गुजराती में तो मैंने बहुत सारा किया है और 2-3 फिल्मों में भी मैंने गाया है। गुजराती फिल्मों में भी गाया मैंने। सांसों में तू है, ख्यालों में तू है, सांसों में तू है, रब जानता मेरी रग रग में तू है। ये अभी तक अनरिलीज्ड है और अभी तक किसी ने गाया नहीं है ना? किसी ने गाया नहीं है और मैंने आपके साथ पहली बार गाया। तो इसका मतलब है कि ये गाना मैं एज अ सिंगर गाने वाली हूँ और आपने शायद प्रॉमिस भी कर दिया मुझे इस बात के लिए, आपके लिए। आई एम ब्लेस्ड, ये गाना मेरा हो गया और आप लोग ये मेरी आवाज में बहुत जल्दी सुनोगे। पॉलिटिक्स में भी आप हो, राइट? हाँ, मैं बीजेपी का कल्चर कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ।
कल्चर कमिटी कमिटी है जो उनको बोलते हैं सांस्कृतिक सेल. ओके, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उनका पूरा सेल, उनका आगे उनको क्या करना है, कौन कौन थे, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है. ओके, वो सब उनका. तो बीजेपी में वो जो अलग अलग सेल होते हैं उनका मैं प्रेसिडेंट. आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता होगा ट्रैवलिंग करना. आप आपने शोज भी बहुत किए हैं. आप कैसे मैनेज, मतलब आप कैसे करते हो, वर्ल्ड टूर पे आप गए हो सिंगिंग के शोज के लिए, कैसे आप मैनेज करते हो इतना? मैं 92 से विदेशों में घूमता रहा और मेरे लिए ट्रैवल्स पहले ऐसा था कि थोड़ा तकलीफ होता है अपने देश में. सौराष्ट्र इधर आना ये उसमें ज़्यादा, लेकिन अब्रॉड में तो आपको पता है जब फैसिलिटी वगैरह सब कुछ बढ़िया होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. तो कहाँ कहाँ गए हो आप वैसे? मैं पूरे वर्ल्ड में अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशियस, दुबई, आपको जितने अवेलेबल 25 कंट्रीज में घूम चुका हूँ. सुपर्ब, इजंट इट अमेजिंग. मतलब इतना चैलेंज लाइफ में होने के बावजूद ही हैज बीन ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर सिंगिंग शोज. मॉरिशियस में मैंने पैराशूट जंपिंग भी किया है. वाओ, मतलब एडवेंचर भी करते हो आप? वो भी किया मैंने. मतलब आप अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हो जैसे कि यू आर अ विनर. आई मीन आपने आप ऐसे जी रहे हो, हर चीज में आपने कमाल कर दिया है, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू फ्रॉम सिंगिंग एंड एडवेंचर टू. मेरे गुरुजी का बहुत ही अच्छा एक म्यूज़िक एल्बम परसेप्शन जो रूप कुमार राठौर जी के साथ अभी अभी आया था, उसका मुझे मैं गाऊंगी था लाइन. तुझ तक पहुँचे आए मेरे तब समझे तू चाहे मेरे. तुझ तक पहुँचे मेहंदी हसन जी की इनमें छाट आ जाती है पूरी मेहंदी हसन जी की. आपको कैसे पता? मेरी गुरुजी भी बहुत बड़ी फैन है मेहंदी हसन जी की. इसी से पता चलता है इनका नॉलेज और इनका वो अंडरस्टैंडिंग लेवल म्यूजिक को लेके. आपने जिस तरीके से उसे कैच किया कि मेहंदी हसन जी की गजल है ये पूरा जो आपने गाया ने, वो मेहंदी हसन जी का स्टाइल है मतलब उनका. राइट राइट. तो आप भी मतलब गजल में इंटरेस्टेड हो आप? मैं जगजीत सिंह को बहुत फॉलो करता हूं. ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमल कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमल. तो सनत जी, आप क्लासिकल बंदिश सुनाने वाले हैं और आपके बेटे महर्षि पंड्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आप ओके, चलो फिर सुनते हैं. हाँ, ललित राग में ये बंदिश है, आज मंगल गाओ बजाओ. आज मंगल गाओ बजाओ, आज मंगल गाओ बजाओ. Oh.
रामो भारत हमको जहाँ से प्यारा सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है भारत हमको जहाँ से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा आप देश के जवानों के लिए आर्मी के लिए भी मैंने सुना है आप सिंगिंग करते हो राइट अच्छा सो मतलब कैसे एग्जैक्टली आप इस बारे में भी बताइए मुझे क्योंकि अपने देश में जब कोई शहीद हो जाता है तो मोमबत्तियां लेके निकल जाता है तो मैंने मोदी जी को उठा कर अब बहुत हो गया शहीद जी अब बहुत गाया शहीदों के पीछे अब एक दिन ऐसा आए कि हम एक बार 50-60 दुश्मन सैनिकों को मार के आए और हम उत्सव करेंगे अभी एक और बात है कि आप जेल के कैदियों के लिए भी प्रोग्राम करते हो तो उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है आपको क्या ऐसा फील होता है कि आप जेल के कैदियों के लिए आप शोज करते हो उसमें परिवर्तन बहुत कुछ आ सकता है कैदियों में अच्छा क्योंकि आपने कुछ गलतियाँ की उनकी सजा तो आपको मिली है हाँ। वापिस आप बाहर आकर वो ही ना अच्छा क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है और मैंने एक बहुत अद्भुत नज़ारा देखा था अच्छे 3 साल पहले यहाँ पर जेल में एक ही साथ 500 कैदी बैठ के सुंदरकांड का पाठ मेरे सामने कर रहे जेल में तो सब कैदी हिंदू मुस्लिम आप किसी ने नहीं देखा था कि मैं मुस्लिम हूँ अच्छा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ तो वो लोग सुंदरकांड का पाठ मेरे सामने कर रहे ये परिवर्तन अंदर का माहौल तो अच्छा ही है लेकिन वो माहौल जो अच्छाइयाँ है वही अच्छाइयाँ मैं बाहर भी ले जाना चाहता हूँ कि ये पूर्ण तौर से वहाँ पर यही वातावरण बाहर भी रहे कि वापिस आके आप बिगड़ ना और आप बेटियों के लिए लड़कियों के लिए भी आप हाँ नारी संरक्षण ग्रुप जो होता है हाँ। नारियों के तो अनाथ कन्याएं होती है तो उनका साल में 2 साल में एक बार शादियाँ वगैरह तो काफी 3 साल से मैं नारी संरक्षण गुरु में भी अच्छा। जैसे मेरे घर में कोई प्रसंग होता है हाँ। उस तरह ही मैं हाँ। बेटियों को विदा कर रहा हूँ तो पहले दिन से मेहंदी से लेकर सब प्रोग्राम मैं अरेंज करता हूँ और बड़ौदा के सब कलाकारों को मैं इनमें जोड़ देता हूँ कि आपको ये करना है आपका जो भी खर्च हो आप मुझसे बोलो वहाँ से कुछ नहीं वैसे मैंने भी बेटी बचाओ सेव गर्ल चाइल्ड पे म्यूजिक एल्बम किया अलका याग्निक जी का गाया हुआ जिसमें मैं फीचर आई हूँ मैं और फैजल खान जी और रामशंकर का म्यूजिक था मेरी खुद की चैरिटेबल ट्रस्ट है अर्चना फाउंडेशन ट्रस्ट जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ उसके थ्रू स्कूल फीस बेटियों को दे रहे हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद अब मैं बेटी पढ़ाओ की तरफ जा रही हूँ जिसमें कि मैं चाहती हूँ कि मुंबई में अंधेरी में ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसमें बेटियों को यू नो डांसिंग सिंगिंग और एक्टिंग के जो बहुत ही गरीब लड़कियां हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती तो बेटियों के लिए एक रास्ता खुल जाए लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं बहुत मुश्किलें आती हैं लेकिन उनसे लड़ के आपको आगे बढ़ना है कैसे अपने चैलेंजेस को फेस करना है और दुनिया को दिखा देना है कि भगवान ने चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें दी हो पर मैं उसको पार करके अचीव करके दिखाऊंगा अपना गोल अपना विजन अपना टारगेट ये मुझे आपसे सीखने को मिला है आज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि कासो म्यूजिक ने एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी आज कवर की थैंक यू सो मच सनत पंड्या जी आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ टाइम ये थे सनत पंड्या जी जिनसे हम अभी मिले मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिटी बड़ौदा में आके मेरा आना सफल हो गया है He was that inspirational, he was that motivating and that positive. I hope you guys loved it. Keep watching Kanishka Goes Live on KASO Music and subscribe my channel, like it, as it is about inspirational stories. Be Indian, keep your Indian culture alive, keep smiling.